वेलकम टू नोबल टेक एग्जीबिशन। हमने प्रीवियस वीडियोस में हमने टॉपिक क्लियर किए थे सिलेक्टिंग टेक्स्ट, कि हम किसी चीज़ को सिलेक्ट कैसे कर सकते हैं, कोई नई फाइल कैसे ओपन कर सकते हैं, फाइंड एंड रिप्लेस, कट कॉपी पेस्ट, ये सारे टॉपिक हमने प्रीवियस में क्लियर किए थे। आपने अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। जो आज की वीडियो है, आज की वीडियो के जो टॉपिक्स हैं वो आज हम क्लियर करते हैं। फर्स्ट आता है ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप क्या होता है? मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये बताया था कि ड्रैगन आपको किसी वर्ड को, अगर मेरे को यहाँ पे ये वर्ड है, इस वर्ड को मेरे को यहाँ की जगह मेरे को यहाँ पर चाहिए, तो या तो मैं कट कॉपी पेस्ट करके लेके जाऊँगा, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं आप, या फिर कि उस वर्ड को डबल क्लिक करके हम सेलेक्ट कर सकते हैं, या हाँ और माउस के साथ उसको ड्रैग करेंगे लेफ्ट क्लिक के और यहाँ पर ले आएंगे। इससे क्या हुआ, इससे वो वर्ड तो नीचे आ गया लेकिन वो वर्ड वहाँ से तो हट गया, मतलब एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर स्विच तो हो गई हमारा वर्ड, लेकिन वर्ड तो हमारा मूव हो गया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ऐसा ना हो, तो हम कंट्रोल के साथ अगर इस चीज़ को ड्रैग करते हैं, जैसे मैंने ये वर्ड सेलेक्ट किया प्रोवाइड, मैंने कंट्रोल की प्रेस करी, देन मैं ड्रैग करता हूँ इसको, देखो उसकी एक और कॉपी क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पर प्रोवाइड वर्ड आपको यहाँ भी इंडिकेट हो रहा है और प्रोवाइड आपको यहाँ पर भी आ गया है। तो इस तरीके से आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, किसी भी वर्ड को ड्रैग कर सकते हैं एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर ले जा सकते हैं इजीली। ठीक है, उसके बाद आगे आते हैं हमारे और भी जो आज के फंक्शन हैं वो करते हैं। आज हमारा पहला टॉपिक आता है कि भाई पेस्ट स्पेशल क्या होता है, जो हमारे यहाँ से हमें इंडिकेट करेंगे आज के टॉपिक्स, पेस्ट और पेस्ट स्पेशल। पेस्ट हमने लास्ट वीडियो में क्लियर किया था, एंड पेस्ट स्पेशल क्या होता है? पेस्ट स्पेशल होता है किसी भी सॉफ्टवेयर की फाइल को ऐसा ऑब्जेक्ट लेके आना, जैसे कि हम अपने पेंट सॉफ्टवेयर में चलते हैं, प्रीवियस पेंट में गए हमारे PAINT पेंट सॉफ्टवेयर में जाते हैं। यहाँ पे मैंने किसी भी शेप को ड्रॉ किया, मैंने ये शेप ले ली, देन इसको अगर हम ड्रॉ करते हैं और मैंने इसको कलर फिल कर लिया कि मेरे को ये ऑब्जेक्ट वहाँ लेके जानी है, सेलेक्ट किया, देखिए मैंने अपना एरिया सेलेक्ट कर लिया, मुझे इतने एरिया की इमेज को लेके जाना है, मैंने इसको राइट क्लिक करके कॉपी कर लिया और अपने सॉफ्टवेयर में आके इस डॉन्ट सेव कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और नीचे आए हम अपने अपने पेस्ट स्पेशल, यहाँ पे इंडिकेट हो रहा है पेस्ट स्पेशल, इसकी शॉर्टकट की ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस वी भी है, हमने इसको क्लिक किया। देखिए जिस भी सॉफ्टवेयर से आप फाइल लेके आ रहे हो वो सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पे इंडिकेट होगा, हम पेंट ब्रश से लेके आ रहे हैं, पेंट ब्रश हमें शो हो रहा है, आप किसी और सॉफ्टवेयर से लेके आएंगे वो सॉफ्टवेयर भी आपको यहाँ पर इंडिकेट होगा। ओके कर दिया मैंने, हमारी फाइल आ गई। अब आप कहेंगे सर कि नॉर्मल फाइल और नॉर्मल पेस्ट में और पेस्ट स्पेशल में डिफरेंस क्या है? मैं कंट्रोल वी करके नॉर्मल पेस्ट भी ले लेता हूँ, वापस दोनों फाइल आ गई हैं। अब मुझे नॉर्मल पेस्ट वाली हमारी ये फाइल है, अगर मैं इसमें कुछ चेंजेस करना है, जैसे मैं इसे डबल क्लिक कर रहा हूँ लेकिन कुछ चेंज नहीं कर पा रहे हैं, कलर चेंज करना है पर हम कलर चेंज नहीं कर पा रहे हैं, जो भी आप नॉर्मली लेके आएंगे उसमें आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, और पेस्ट स्पेशल वाली में आप चेंजेस कर सकते हैं। जैसे मैं डबल क्लिक किया, देखिए इसकी मेन फाइल ओपन हो गई। अब मेन फाइल अगर ओपन हो गई है तो उसके अंदर हम कोई भी चेंजेस कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से कलर फिल किया, अब मैं इसको क्लोज भी कर देता हूँ अगर, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, देखिए हमें यहाँ पे हमारी चेंजेस हमें शो हो रहे हैं। तो पेस्ट स्पेशल का यही यूज़ है कि आप किसी भी फाइल को ऐसा ऑब्जेक्ट ले जा सकते हैं एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर में। ठीक है, फिर आगे के जो टॉपिक्स हैं, आगे हमारे जो कट कॉपी पेस्ट हमने प्रीव्यूज किया था, नेक्स्ट आता है हमारा इसके अंदर फॉन्ट। फॉन्ट होता क्या है? फॉन्ट होता है हमने किसी वर्ड को सिलेक्ट, हमने अपना एरिया सेलेक्ट कर लिया, मुझे इस एरिया में काम करना है। अब मैं चाहता हूँ, मेरे को ये वाला फॉन्ट पसंद नहीं आया, मैं चाहता हूँ कोई और फॉन्ट लेना, तो मैं यहाँ से कोई भी फॉन्ट ले सकता हूँ, लाइक दिस मैंने ये ले लिया, मुझे ये पसंद नहीं आया, मैं चाहता हूँ ये वाला फॉन्ट चाहिए, मैं ये वाला फॉन्ट ले सकता हूँ। यहाँ पे देखिए बहुत सारे फॉन्ट है, आपको जो भी फॉन्ट लेना है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से फॉन्ट को ले सकते हैं। देखिए कितने सारे फॉन्ट हैं, आप कोई भी फॉन्ट लेके अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे आता है इसमें साइज इंक्रीज करना, आप साइज यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं, देखिए जितना मर्जी, कम करना है कम कर लेते हैं, या ये कैपिटल ए से भी इंक्रीज कर सकते हो और स्मॉल ए से डिक्रीज कर सकते हो। ठीक है, या फिर इसकी एक और शॉर्टकट की भी है, आपके कीबोर्ड में आपको शो होती है कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन साइन, कंट्रोल शिफ्ट एंड ग्रेटर से भी आप इंक्रीज कर सकते हैं और लेस देन से स्मॉल कर सकते हैं। ग्रेटर देन का सिंबल किस तरीके का होता है वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ, ये हमारा ग्रेटर देन का सिंबल होता है,
और ये हमारा लेस देन का होता है जो आपके कीबोर्ड में आपको इंडिकेट होगा। ठीक है, फिर आगे इसमें ऑप्शंस आते हैं कि बोल्ड और इटैलिक क्या होता है। बोल्ड होता है किसी भी चीज़ को हमें डार्कली शो कराना है। मैं चाहता हूँ, ये मेरा डेटा है, मैं इसे बोल्ड करना चाहता हूँ कि जब भी मैं फाइल ओपन करूँ मेरा डायरेक्टली फोकस इस फाइल में पहुंच जाए। मैंने इसे बोल्ड किया, देखिए हमें जैसे लाइक दिस बोल्ड हो गया, हमारा डार्कली शो हो रहा है। इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल बी भी होती है। इटैलिक होता है थोड़ा सा उसे तिरछा करना, और शॉर्टकट की होती है कंट्रोल आई। देखिए थोड़ा सा तिरछा शो हो रहा है, और मैं चाहता हूँ अंडरलाइन, मैं चाहता हूँ मैंने जो काम किया है इसके अंदर मेरे को अंडरलाइन करनी है, तो अंडरलाइन कर सकते हैं लाइक दिस, जैसे आपको इंडिकेट हो रहा है। अगर आपको नहीं भी हो रहा है मैं जूम इन करके आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए जैसे हो रहा है। ठीक है, वापस जूम इन जूम आउट कर लेते हैं। इसके बाद आता है स्ट्राइक थ्रू। क्या होता है स्ट्राइक थ्रू? होता है जैसे आप नोटबुक में, जैसे हम स्कूल में काम करते हैं नोटबुक में, हमसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो हम टेक्स्ट को ही या कोई भी सेंटेंस को हम कट कर देते हैं, वैसे ही आप यहाँ भी कर सकते हैं। मैंने इसको क्लिक किया, देखिए वो कट हो गया। ठीक है, तो आप इस तरीके से स्ट्राइक थ्रू का यूज करके उसको कट भी कर सकते हैं। अब इसमें और भी हमारे फंक्शन से आगे जो करते हैं, जैसे हमारा स्ट्राइक थ्रू सबस्क्रिप्ट, सॉरी सबस्क्रिप्ट होता है जैसे आपने कुछ भी काम किया। मैं यहाँ पर गया, मैंने कोई भी काम किया, मैंने लिखा यहाँ पे 12। ठीक है, मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ अपना डेटा को और साइज इंक्रीज करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, साइज इंक्रीज करके मैंने आपको दिखा दिया इसका। अब मुझे इसमें चेंजेस करना है। आपने लिखा होगा 12, कभी भी इस वे में नहीं लिखा होगा, वो कुछ थोड़ा सा ऊपर की ऊपर हमें इंडिकेट होता है उसकी शॉर्ट, जो हम यहाँ से कर सकते हैं सुपर स्क्रिप्ट या शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट इज इक्वल टू लाइक दिस, इस तरीके से होता है हमारे। अब मैं चाहता हूँ इसे डाउन में वापस नॉर्मल करना, तो नॉर्मल इस तरीके से कर सकते हैं, या आप सब स्क्रिप्ट कर सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू। मैंने किया, इसे डाउन में कर लिया हमने। वापस नॉर्मल करना चाहते हैं वापस नॉर्मल कर सकते हैं आप इसको। ठीक है, और भी इसमें फंक्शंस होते हैं हमारे आगे, जैसे हम सीखेंगे कि भाई टेक्स्ट कलर सिलेक्ट किया यहाँ से कोई भी, अब टेक्स्ट का कलर अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे कुछ शो हो रहा है। ठीक है, आपको ये पसंद नहीं आया कोई और भी ले सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे कलर्स हैं। एक आता है हाईलाइटिंग करना, अब मैं चाहता हूँ ये मुझे इम्पोर्टेंट, स्कूल में और कॉलेजेस में पढ़ते हैं वहाँ पे हमें कोई भी हमारे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है हमसे हाईलाइट करके रखते हैं कि एग्जाम में आ सकता है लाइक दिस, हम यहाँ पे भी इसको हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, सो गाइस आई होप आपको अच्छी वीडियो पसंद आई हो, और जो भी हमने टॉपिक्स क्लियर किए हैं वो भी आपको समझ आए हो। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप प्रीवियस वीडियो भी देख लीजिए, अगर बाकी आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू नोवेल टेक एजुकेशन।